गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ के नेचर पे बात करें बेटा। तो इसके पहले हम लोग बात इनइक्वलिटी पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? हम लोग इनइक्वलिटी पढ़े थे। तो इनइक्वलिटी में हम लोग क्या बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़े थे। किस बारे में पढ़े थे बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़े थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने बेटा डिफाइन भी कर दिया था आपको। हमने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा? हमने आपको बताया था कि कभी भी एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन कैसा हो बेटा, अगर एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन ऐसा लिख दे, इसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इसे हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या पढ़ते हैं हम लोग, हम पढ़ते हैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्या पढ़ते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है एक्स से छोटी या बराबर जितनी भी इंटीजर होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा वाला इंटीजर होता है वो किसका मान होता है, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मान। इसके बारे में बता दिया था आपको, ठीक है बेटा। अच्छे से हमने इस बारे में चर्चा कर दी थी, ठीक है। हमने कहा था इसको आप ध्यान रखिए बेटा, क्लियर। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। हमने आपको एक बात और बता दिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, हमेशा उसकी वैल्यू इंटीजर होती है। क्या होती है बेटा? इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं। हमने बेसिक बातें इसके बारे में बता दिया था, डिफाइन कर दिया कैसे निकालते हैं, हमने आपको ये भी सिखा दिया था। अब थोड़ी बातें और सीख लेते हैं, ठीक है। इस बात को समझते हैं बेटा, ठीक है। समझते हैं क्या बात मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको बेटा। सिंपल सी बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी x दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हो, अगर कभी भी x का मान दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हो, जानते हैं हमारा ये इंटीजर, क्या हमारा इंटीजर, तो कभी भी बेटा अगर x का मान, यहाँ फोकस करिए बेटा, कभी भी x का मान दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हो और छोटे वाले के बराबर भी हो सकता है, छोटे वाले के बराबर भी हो सकता है, तो ध्यान रखना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है क्या होता है बेटा, इसका मान हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, छोटे वाले इंटीजर के बराबर। किसके बराबर होता है? छोटे वाले इंटीजर के बराबर। इस बात को आप डेफिनेशन समझ सकते हैं बेटा। अगर एक्स वैल्यू एन और एन प्लस वन के बीच में लाई करें तो बताओ, एन या एन प्लस वन के बीच के कोई भी नंबर हो उससे छोटा या बराबर क्या वो इंटीजर हो सकता है? क्या नहीं। उससे छोटे कौन कौन से इंटीजर होंगे? एन होगा, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, डॉट, ये सब होंगे बेटा। क्या होंगे? ये सब होंगे बेटा। इनमें सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा होगा बेटा? सबसे बड़ा तो एन होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? एन। तो हमेशा क्या है, कैसे याद रखोगे बेटा, कभी भी एक्स का मान अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करे, क्या हो बेटा, अगर कभी भी एक्स का मान दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करे तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है उसका मान हमेशा किसके बराबर होता है? हमेशा छोटे वाले इंटीजर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? छोटे वाले इंटीजर के बराबर। क्लियर है यहाँ तक बेटा? हमेशा ये बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ तक सही बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लीजिए, नोट आप कर लीजिए बेटा, सब लोग मिटा रहे हैं इसको। और इसके ग्राफ पे आते हैं, किस पे आते हैं? ग्राफ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ। हम बात करें y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्राफ बनाते हुए समझ लेते बेटा कैसे कैसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो समझते हैं इस पर बेटा। सोचो अगर x का मान 0 और 1 के बीच में लाया करेगा तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू क्या होगी? छोटा वाला इंटीजर मतलब 0 होगा, तो y बराबर 0 लाइन की जरूरत होगी। देखिए बेटा आराम से, अगर x का मान 1 और 2 के बीच में लाया करेगा, देखिए बेटा अगर x का मान 1 और 2 के बीच में लाया करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू क्या छोटा वाला इंटीजर होगा मतलब 1, तो कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी? y बराबर 1 लाइन। अगर x का मान बेटा 2 और 3 के बीच में लाया करेगा, 2 और 3 के बीच में लाया करेगा, तो ध्यान से देखिए हमको कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी? y बराबर 2, क्योंकि ग्रेट तो छोटा वाला इंटीजर ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू किसके बराबर होती है? छोटा वाला इंटीजर, ठीक है। इस तरह से अगर 3 और 4 के बीच में लाया करेगा तो आप समझ पा रहे हो बेटा y बराबर 3 लाइन खींचनी पड़ेगी। ऐसे नेगेटिव वाले भी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बेटा? नेगेटिव वाले, ठीक है। ऐसे अगर मैंने कह दिया x वैल्यू माइनस वन और जीरो के बीच में लाई करेगा तो कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी बेटा? वाई बराबर माइनस वन, ठीक है। अगर x की वैल्यू माइनस टू और माइनस वन के बीच में लाई करेगा तो कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी बेटा? वाई बराबर माइनस टू, और एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे और ऐसे, ठीक है। पर तो थोड़ा यहां से एक आइडिया लग रहा है ना, कौन कौन सी लाइन, कौन कौन से इंटरवल में कौन कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी। आप सब जानते हो कि y बराबर कोई कांस्टेंट अगर लाइन होती है तो एक ऐसी लाइन होती है x एक्सिस पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। तो हम आराम से इस ग्राफ को बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं बेटा? y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x y प्लेन बनाइए बेटा। देखिए बेटा आराम से ग्राफ कैसे बनाते हैं इसको। ठीक, ये 0, फिर इसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से माइनस वाली भी लेते बेटा, -1, -2, -3,
माइनस फोर, इधर भी आ जाते बेटा, वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। अब बनाते बेटा आराम से, जब x वैल्यू 0 से 1 तो y बराबर 0 लाइन, तो x वैल्यू 0 से 1 के यहां पे होगी बेटा, तो y बराबर 0 लाइन, तो y बराबर 0 बन जाएगी, देखो ध्यान से, x का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है लेकिन 1 जो हो सकता है, देखो वहां पे भरा गोला, जो नहीं हो सकता वहां पे या तो खाली गोला बनाओ या तो एरो बनाओ, तो एरो बना लिए, थोड़ा अच्छा लगता है एरो देखने में, ठीक। अब x का मान जब 1 से 2 हो तो y बराबर 1 लाइन, तो y बराबर 1 लाइन, देखो 1 x मान 1 से 2 होगा तो y बराबर 1 लाइन, तो y बराबर 1 लाइन क्या होगी, जो x एक्सिस से पैरेलल हो कितनी मात्रा की कितने यूनिट पर 1 यूनिट पर, ये तो y बराबर 1 लाइन ही होगी बेटा, ठीक। ऐसे एक्स वैल्यू बेटा 3 और 4 के बीच तो कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी, वाई बराबर 3, ठीक है। ऐसे ही 4 और 5 के बीच तो कौन सी खींचनी पड़ेगी बेटा, 4 वाली, ठीक। अब इधर वाले भी खींच लेते बेटा, माइनस, अगर एक्स वैल्यू माइनस 1 से 0 होगी तो कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी, वाई बराबर माइनस 1, दिख रहा है आपको माइनस 1 वाली, 0 देखो माइनस 1 हो सकता है 0 नहीं हो सकता, देखिए यहां से देख लीजिए वहां पे इस तरह से माइनस 2 वाली, इस तरह से माइनस 3 वाली बेटा, तो ध्यान से कि ये कौन सी लाइन है बेटा, ये y बराबर 0, y बराबर 1 लाइन, y बराबर 2 लाइन, y बराबर 3 लाइन, y बराबर, जो डार्क किए गए बेटा वही केवल लाइंस है, ग्राफ केवल वही है जो डार्क में है बेटा, जो डॉटेड आपको दिख रहा है ये सपोर्ट के लिए बनाया गया बेटा, कि आपको समझ में आया कि ये वाला जो ये मार्क ये वाला जो एरो है ये केवल 3 तक आ रहा है, ये केवल 4 मतलब 3 से 4 इंटरवल दिखाने के लिए बस ऐसे किया गया इस्तेमाल, अदरवाइज जो आपको डार्क लाइन दिख रही है यही केवल ग्राफ का पोर्शन है, ये y बराबर माइनस 2 है बेटा, ये y बराबर माइनस 3 है बेटा, और ये y बराबर माइनस 4 है, देख लीजिए बेटा आपका, तो ये ग्राफ रहा बेटा, ये आपका ग्राफ है, तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बेटा ऐसे होता है, क्लियर है, तो इस तरह से हम ग्राफ इसको ड्रॉ करते हैं बेटा, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है बेटा, तो इस तरह से अब ग्राफ पर भी अगर आप फोकस कीजिए, इसका ग्राफ हमेशा किसके पैरेलल रहा है बेटा, वाई एक्सिस के पैरेलल रहा है, देखो हमेशा हमेशा पैरेलल रहा है, देखो तो सॉरी सॉरी बेटा, इसका जो ग्राफ अगर फोकस करें तो हमेशा x एक्सिस के पहले रहा, किसके पहले रहा बेटा, x एक्सिस के पहले, और आपको ये बात शायद पता होगी कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पहले हो, किसके पहले हो बेटा, अगर कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पहले हो तो उसका स्लोप हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है बेटा, स्लोप जीरो, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पहले हो तो स्लोप हमेशा क्या होता है, जीरो, तो ये वाली जो ये आपका जो ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका स्लोप हमेशा क्या होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, जहां पर एग्जिस्ट करेगा, जहां पर एग्जिस्ट करेगा, अगर इस ग्राफ पे और फोकस करो बेटा, ये ग्राफ हमेशा कहां कहां टूट जा रहा है, हर इंटीजर पे आके देखो, वन तक, वन पे टूट गया, फिर टू पे टूटा, थ्री पे टूटा, देखो ऐसे यहां तक ग्राफ गया, फिर टूट के यहां पे आ गया, फिर टूट के यहां पे आ गया, फिर टूट के यहां पे आ गया, तो ये ग्राफ हर इंटीजर पे देखो टूट रहा है, देखो हर इंटीजर यहां तक गया फिर ये टूट गया, तो ये ग्राफ कहां पर टूट रहा है, हर इंटीजर एक्स पे क्या कर रहे हैं, टूट रहा है, x की हर इंटीजर वैल्यू पे ये ग्राफ टूट रहा है बेटा, तो ये सीढ़ी की तरह स्टेयर टाइप का ग्राफ होता है, कैसे होता है, स्टेयर की तरह ग्राफ होता है, सीढ़ी की तरह ग्राफ, तो हमेशा याद रखना ये सीढ़ी की तरह ग्राफ होता है, हमेशा दिमाग में सेट रखना ये ग्राफ, ठीक है बेटा, आगे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा सीधे बता दूंगा, फिर इतना ज्ञान नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मॉड और इसका ग्राफ बता दूंगा तो उसको सीधे बनाऊंगा मैं, या तो सही बेटा, समझ में आ रहा है सबको, या तो देखो बेटा आराम से देखो एक एक चीज, समझ में आ रहा है सबको, ठीक ठीक, तो ग्राफ उन लोग को क्लियर है, अच्छा ग्राफ में एक बात फोकस करो, अब बात तो वहां भी क्लियर हो रही बेटा, कि जो एक्स हम कुछ भी रख रहे हैं देखो हमेशा वाई का मान इंटीजर ही आ रहा है बेटा, या तो जीरो आएगा या वन या टू या थ्री या फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री,
एक्स कुछ भी रखने पर वाई के मान हमेशा क्या रहा है इंटीजर, वाई के मान मतलब फंक्शन की वैल्यू, इसीलिए इसको हमने बताया था इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो हमेशा धारणा, ये बात आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, अभी भी ध्यान रखो ये बात, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है बेटा क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा इसकी वैल्यू इंटीजर होती है, इसकी वैल्यू कभी भी नॉन इंटीजर नहीं होती बेटा, नॉन इंटीजर नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अच्छा सही, हटा दो उसको बेटा, कुछ बातें और क्या क्या ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है सबको? अगले पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए बेटा जो आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसकी क्या वैल्यू होती है बेटा? ध्यान रखना बेटा, इसकी दो वैल्यू होती है। पहले समझते हैं बेटा, अगर एक्स इंटीजर होगा, अगर एक्स, आराम देखिए बेटा, पहले समझिए चीजों को क्या है, समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी दो वैल्यू होती है बेटा, ये डिपेंड करेगा एक्स इंटीजर है कि नॉन इंटीजर। तो मैंने पहले क्या बोला, अगर एक्स इंटीजर होगा, अगर एक्स इंटीजर होगा तो सिंपल सी बात है इंटीजर है तो ये फिर क्या माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं बेटा? एग्जाम्पल के लिए देख लो बेटा, एग्जाम्पल के लिए देख रहा हूँ, माइनस फाइव का इंटीजर पार्ट क्या होगा? माइनस फाइव, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव का इंटीजर पार्ट कैसे लिख सकता हूँ? नहीं एकदम देख लीजिए बेटा, ठीक, कोई भी ले लीजिए बेटा, अगर एक्स इंटीजर होगा तो माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस इंटीग्रल पार्ट एक्स। क्या कर सकते हैं बेटा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, माइनस इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ। क्लियर है बेटा यहाँ तो? अच्छा, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो बेटा? नॉन इंटीजर हो। क्या हो बेटा एक्स की वैल्यू? अगर एक्स वैल्यू इंटीजर ना हो, अगर एक्स वैल्यू इंटीजर ना हो, नॉन इंटीजर हो। अगर एक्स वैल्यू बेटा नॉन इंटीजर होगी तो ध्यान से बताओ क्या होगा बेटा, अगर एक्स वैल्यू नॉन इंटीजर होगी तो ध्यान रखना बेटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, आप चाहो तो एग्जांपल लेके चेक कर लो बेटा, एग्जांपल लेके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं आप, कैसे बता रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल देख लेते हो ऐसी बात को, चेक कर लेते हो तो इस बारे में थोड़ा कम सक पा रहा होगा इंटीजर वाले पे, इस बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा आप इसको क्लियरिफाई, तो एग्जांपल्स क्लियर करते हैं इस बात को। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस में 2.7 सब कुछ ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी क्या होती है आपको पता है? इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है? निकाल लो इसकी वैल्यू कितनी होती है, सबको आता है ना बेटा, माइनस 2.7 से। अब देखो ना ऐसे कि डायरेक्ट माइनस 2.7 किन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में, इनमें छोटा वाला कौन सा है? माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या माइनस 3 आएगी नहीं बेटा? क्या है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, माइनस 2.7 किन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है? माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में, माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में, तो उसमें छोटा वाला कौन सा है? माइनस 2 छोटा है कि माइनस 3? माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस 3 आएगी नहीं बेटा? क्लियर है सबको? सबको ये बात क्लियर है कि इसकी वैल्यू माइनस 3 आनी है? तो इस वाले से निकालते हैं, अगर माइनस 3 आ गया तो सही है, अदरवाइज करो तो मैंने क्या बताया इस तरीका, माइनस ले लो अंदर, कैसे लिख सकता हूं नहीं बेटा, देखो बेटा माइनस बाहर ले लो बेटा, अंदर वाली चीज का इंटीग्रल पार्ट माइनस वन, इसकी वैल्यू अगर निकाले, अगर इसकी वैल्यू भी वही आ गई कितना 3, माइनस 3 अगर इसकी वैल्यू आ जाए सही है, बताओ 2.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2.7 किन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है बेटा? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3, तो उसमें छोटा वाला कौन सा है? 2, क्या इंटीग्रल पार्ट 2.7 की वैल्यू 2 होती है कि नहीं बेटा? एकदम सबको क्लियर है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2, क्या माइनस 3 आएगी बेटा? तो आपको दिख रहा है बेटा, यहां से भी माइनस 3 आ रहा है और वहां से भी माइनस 3 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? माइनस 3 आ रहा है दोनों से, दोनों से क्या रहा है बेटा? माइनस 3। क्लियर है बेटा, इस बात को नोट कर लीजिए, आपको इसको बेटा क्या करिए, नोट कर लीजिए ठीक है बेटा, हटाए एग्जाम्पल इसको, अब मेरे ख्याल से बात थोड़ी क्लियरिफाई हो गई ठीक है, आप कितने भी एग्जाम्पल लेकर आप इस बात को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ठीक, और ये पहले वाले तो क्लियर ही हो रही है ठीक है। अच्छा अगली बात और समझते हैं बेटा, अगली बात क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस, ध्यान रखो इनका जो सम होता है ना बेटा, इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा? जीरो तब होगी जब एक्स इंटीजर होगा, अगर एक्स इंटीजर है तो इनकी वैल्यू जीरो, कैसे जीरो होगी बेटा? सोचो बेटा, सोचो इसको क्या होगा, एक्स इंटीजर होगा माइनस इंटीजर पार्ट एक्स, एक्स माइनस इंटीजर पार्ट एक्स, क्या जीरो हो गया कि बेटा? एकदम। दूसरा अगर एक्स की वैल्यू नॉन इंटीजर हो बेटा, आराम से फिर समझ लो बेटा, जिसको पहले वाले डाउट हो रहा फिर समझ लो बेटा, अभी हमने आपको बताया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, अगर एक्स इंटीजर हो तो इसकी वैल्यू क्या होती थी बेटा? इसकी वैल्यू होती थी माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, क्या जीरो हो गया बेटा?
लेकिन जब x वैल्यू क्या हो जाए बेटा, नॉन इंटीजर होगा, x वैल्यू नॉन इंटीजर होगा। तो ध्यान से आप देखिए इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस वन, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस वन। तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कैंसिल हो गया बेटा, क्या वैल्यू केवल माइनस वन आएगी बेटा, तो वैल्यू आएगी केवल नोट कर लीजिए बेटा इस बात को। ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके प्रॉपर्टीज है, तो इनको आप देख लीजिए, काफी यूज में आने हैं, काफी ज्यादा यूज में आना है बेटा, या तो बात समझ में आ रहा है बेटा, नोट कर लो। बाकी स्टार बना के वो बता दिया था कि अगर एक्स का मान दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है या छोटे वाले इंटीजर के बराबर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में से किसके बराबर होती है, छोटे वाले इंटीजर बराबर, किसके बराबर होती है, छोटे। हमने ग्राफ भी देख लिया बेटा, किसी तरह ग्राफ होता है, स्टेयर की तरह ग्राफ होता है, किसी तरह ग्राफ होता है बेटा, स्टेयर की तरह ग्राफ होता है। बात क्लियर है बेटा सबको, ठीक, मतलब सही है, मिटाई इसको रफ करें बेटा, ठीक, रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन, किसकी आप बात करते हैं बेटा, हेडिंग लो इक्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट। अब इसके थोड़े इक्वेशन सॉल्व करते हैं बेटा, बहुत आसान होता है ये, घबराने की एकदम जरूरत नहीं बेटा, बहुत आसान होता है, आसानी से आप इसको कर लेंगे, एकदम घबराने आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वेशन, किसी बात करते हैं इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन शुरुआत करते हैं, सबसे पहला बेटा हमने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर अगर वन हो तो बताओ एक्स मान क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बट बेसिक से दिमाग लगाओ एकदम आसान, सबसे आसान ये होता है बेटा, आज ही खत्म हो जाएगा ये पूरा, ये आज ही ये सारा पूरा इक्वेशन इनक्वली सब खत्म हो जाएगा, बहुत आसान होता है। अब चीजों को बस आसानी से आप समझ लीजिए बेटा कैसे हो रहा है, ठीक। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, हमेशा लिखने का तरीका ऐसे याद रखना, एक्स लिखो, अब मुझे पता है इंटीग्रल पार्ट एक्स की वैल्यू क्या वन है, तो इसका उल्टा सोचो, अगर याद करो एक्स की वैल्यू दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेगी तो इंटीग्रल पार्ट वैल्यू छोटा वाला इंटीजर होता है कि नहीं बेटा, एकदम, तो उसका उल्टा समझना, तो छोटे वाले इंटीजर की वैल्यू वन है, छोटे वाले इंटीजर की मतलब ये वाला जो एक्स होगा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई करेगा बेटा, उसका छोटा वाला इंटीजर तो समझ में आएगा, बड़ा वाला क्या इससे जस्ट एक ज्यादा होगा कि नहीं, तो इससे जस्ट एक बड़ा वाला इंटीजर क्या दो होगा कि नहीं, क्या बताओ वन हो सकता है कि नहीं, हाँ, क्योंकि वन का इंटीग्रल पार्ट क्या वन होगा कि नहीं, वन हो सकता है, लेकिन दो का अगर इंटीग्रल पार्ट कर लोगे तो वो वन नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट हो सकता है बेटा, थोड़ा सा अजीब लगा तो आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, इसको दोबारा हम बता दे रहे बेटा, तो आप इसको देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा अजीब लगा तो इसको मैं दोबारा बोल देता हूं बेटा, हमने क्या बोला बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर वन है, तो हमने आपको क्या बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा, ये क्या होता है बेटा, ये हमेशा छोटे वाले इंटीजर, अगर एक्स का मान दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है तो एक्स वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, छोटे वाले इंटीजर, ग्रेटेस्ट एक्स वैल्यू किसके बराबर होती है, छोटे वाले इंटीजर, तो समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब एक्स का जो छोटी वाली वैल्यू है, छोटा वाला इंटीजर है क्या वन है, छोटा वाला इंटीजर वन है, तो बड़ा वाला इंटीजर क्या टू होगा कि नहीं, उससे जस्ट एक ज्यादा वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना बेटा, तो दूसरा इंटीजर क्या टू होगा, क्या वन हो सकता है, हाँ, क्योंकि वन का इंटीग्रल पार्ट वन, लेकिन टू हो सकता है क्या, टू का इंटीग्रल पार्ट वन नहीं आएगा, इसे टू नहीं हो सकता, इसलिए इस पे छोटा वाला, इस पे छोटा वाला, यहाँ तो बात समझ में आ रही है बेटा बच्चों, देखिए ध्यान से आप लोग बेटा, ठीक है, पहली है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है, तो हमेशा उल्टे तक उल्टे प्रोसेस से करते हैं, कैसे करेंगे बेटा उल्टा प्रोसेस, मतलब आपको बता दें सिंपल सा कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्स का मान दो कंजुगेट, हम एक ही बात को बेटा दो से तीन बार रिपीट करेंगे, आप एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला गया सिंपल से, अगर x का मान दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, छोटे वाले इंटीजर, किसके बराबर होता है, छोटे वाले इंटीजर। अब उल्टी बात कर रहे हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1 है, इसका मतलब x दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, कहोगे सर 1 और 2, 1 और 2, वही तो हमारा इंटरवल होगा x का आंसर, x का आंसर क्या वही इंटरवल होगा, तो 1 से 2 का इंटरवल में लगा दिए बेटा, 1 हो सकता है क्या, हां, चूंकि 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 होगा, इसलिए इस पे क्लोज लगाया बेटा, 2 नहीं हो सकता, जो कि 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 होगा, 1 नहीं होगा, इसलिए ये सॉल्यूशन में नहीं है, इसलिए छोटा बेटा। अब थोड़ी बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, ठीक है, ये दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और थोड़ी क्लियरिफाई हो जाएगी बेटा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हमने आपसे जैसे कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर -2, तो क्यों चलो फटाफट लिखते हैं बेटा, कहोगे सर छोटा वाला इंटीजर तो -2 है, तो छोटा वाला इंटीजर -2 है, तो बड़ा वाला क्या होगा, इसमें एक जोड़ो, क्या -1 आएगा कि नहीं बेटा, कंजुगेट है ना, छोटा इंटीजर माइनस टू, बड़ा इंटीजर का माइनस वन होगा कि नहीं बेटा, क्या -2 हो सकता है, क्या एकदम हो सकता है, क्या -1 हो सकता है, क्या नहीं, क्यों -2 हो सकता है बेटा, क्योंकि -2 का इंटीग्रल पार्ट -2 होगा, लेकिन -1 का इंटीग्रल पार्ट -2 नहीं होगा, इसलिए -2 सोल्यूशन में, ये सोल्यूशन में नहीं है। बात क्लियर हुई, सिंपल सिंपल सी बातें बता रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हमने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर अगर हमने कह दिया 0 है तो बताओ एक्स वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखिए फटाफट फटाफट
कुछ नहीं सर, एक्स बिलोंग्स टू सर, चलो दो कॉन्जुगेट, छोटा वाला ये तो बड़ा वाला क्या, इसमें जोड़ो वन, ये हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, ये वाला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, देखो सिंपल सा क्या हो चुका, जीरो का इंटीग्रल पार्ट जीरो होगा, वन का इंटीग्रल पार्ट जीरो नहीं होगा, इसलिए वन सोल्यूशन में नहीं, वन सोल्यूशन में नहीं, इसलिए वन वाले देखो छोटा वाला ब्रैकेट ओपन इंटरवल लगाया गया, क्या लगाया गया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा फटाफट, सिंपल से देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हमने कह दिया इलेवन है तो बताओ फटाफट एक्स वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स वैल्यू क्या आएगी बेटा फटाफट, क्या दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के बीच में लेकर लाई करेगा बेटा, देखो एक्स वन क्या दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के बीच, तो छोटा वाला इंटीजर पहले लिखो बड़ा वाला बाद में, तो क्या ये हो सकता है कि नहीं, हाँ ये हो, नहीं हो सकता, अब देखिए अब सारी बातें आप समझ रहे हैं कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं, जो सोल्यूशन में हो सकता है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं पांचवा फटाफट, हमने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर आएगा 4.2, बताओ यहां से एक्स मान क्या आएगा बेटा, ट्राई करिए इसको बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करिए बेटा, बताइए एक्स मान क्या आएगा, स्क्रीन पॉज करके भी इसको ट्राई करिए बेटा, सिंपल सा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए आप, निकालिए एक्स मान कितना आएगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद सोल्यूशन चेक करिए, ध्यान से देखिए बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 4.2 है बेटा, क्या है बेटा 4.2, अब पुरानी बात याद करो, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, इंटीजर होगी, लेकिन ये कैसा नंबर है 4.2, नॉन इंटीजर है, कैसा है नॉन इंटीजर, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान हमेशा इंटीजर होता है, कभी नॉन इंटीजर होता नहीं है, तो ये तो 4.2 तो नॉन इंटीजर है ना, इसका मतलब यहां से कोई सोल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू कभी भी नॉन इंटीजर नहीं हो सकती, तो यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन को हम कैसे क्या लिखते हैं बेटा, एक्स बिलोंग्स टू 5, एक्स बिलोंग्स टू 5, तो जिनके सोल्यूशन आ गए होंगे बेटा, जिन्होंने 4.2 से 5.2 लिखा होगा बेटा, तो ध्यान दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कभी भी इंटीजर नॉन इंटीजर नहीं होती है, हमेशा क्या होती है इंटीजर, इस बात को आपको पहले हमने मेंशन कर दिया था पॉइंट्स में कि इसकी वैल्यू कभी भी नॉन इंटीजर नहीं होती, मेरी बात समझ आ रही है बेटा, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, सिंपल सिंपल, ठीक स्क्रीन पॉज करके आप आराम से चीजों को नोट कर सकते हैं बेटा, ठीक है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो छूट रहा तो। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे आपसे बोल दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 6 बराबर 0, चलो एक समान बताओ यहाँ कितना है, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो सिंपल से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइज तरीका बोलो, तो इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर आएगा ये और दूसरा फैक्टर क्या आएगा बेटा, क्या यही आएगा फैक्टर फटाफट बराबर 0। अब ध्यान बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, एक की दो, दो दो वैल्यू आएगी, तो बताओ एक्स मान लिख सकते हैं बेटा, इसका मतलब दो वाला भी होगा तीन वाला भी, तो फटाक से डायरेक्ट कैसे लिखोगे बेटा, जब दो होगा भाई छोटा लाइन इंटीजर जब दो होगा तो वैल्यू कहां से कहां होगी, दो से तीन, दो से तीन, दो हो सकता है हाँ, तीन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ऐसे बताओ जब तीन होगा तो एक्स का मान क्या होगा, छोटा लाइन इंटीजर तीन है बड़ा वाला चार, तो क्या तीन से चार होगा, तीन हो सकता है चार नहीं हो सकता, क्या ये भी सोल्यूशन में और ये भी सोल्यूशन में ना, तो फाइनल आंसर क्या दोनों का यूनियन होगा ना, कंबाइन कर लो। अब देखो जब दोनों का यूनियन लोगे तो 2 से 3, 3 से 4, क्या कोई छूट रहा है क्या, देखो 3 यहाँ छूटा तो 3 आ भी गया, क्या मैं डायरेक्ट 2 से 4 लिख सकता हूँ, नहीं बेटा ध्यान से देखो बेटा, क्या मैं इसको डायरेक्ट 2 से 4 लिख सकता हूँ, नहीं देखो, देखिए फाइनली इसी सोल्यूशन को देखो, 2 से 3 यूनियन 3 से 4, देखो 3 यहाँ पे नहीं था लेकिन देखो 3 यहाँ पे आ गया, तो क्या 2 से 4 के बीच में सब है ना, हर नंबर से सोल्यूशन में, तो सीधे 2 से 4 सही बेटा, तो इस तरह से सिंपल सिंपल एक इसके क्वेश्चन में अगर फोकस करें बेटा तो इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, क्लियर यहाँ तक बात समझ में आ रही बेटा, तो बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं बेटा, ऐसे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा कितने भी मैं वैरायटी करा दूं उससे कोई खास फर्क नहीं, ठीक है चाहो तो एक आख होमवर्क ले लो बेटा, होमवर्क क्या यही करा यही कर लो, सातवां क्वेश्चन, ठीक चलो फटाफट ट्राई करो, सुनो चलो फटाफट ट्राई कर लो बेटा, फटाफट ट्राई करके बताइए इसका सोल्यूशन, ठीक है स्क्रीन पॉज करिए ट्राई करिए बेटा, फिर इसके बाद सोल्यूशन मैच कराइए बेटा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा, ग्रेटेस्ट इसको फैक्टराइज कर लेते हैं जैसे फैक्टराइज करते हैं, तो यहां से एक्स की क्या वैल्यू आएगी, दो वैल्यू 1 और 3, तो बताओ जब 1 होगा तो वैल्यू आएगी 1 से 2, 1 हो सकता है 2 नहीं हो सकता है, लेकिन जब 3 होगा तो 3 से 4, 3 हो सकता है 4 नहीं हो सकता, बीच में यूनियन लगा दो, क्योंकि अब यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से 4 सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि 2 से 3 पूरा खाली है बेटा, 2 से 3 पूरा खाली, यहाँ पे कमान ये नहीं कर सकते कि 1 से 4 सब कुछ मिल रहा है बेटा, क्योंकि देखो 2 है 3 नहीं है बेटा, तो 1 से 2, अब 2 से 3 के बीच के सारे सोल्यूशन गायब है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे,
तो ये रहा आंसर। मैच करा लीजिए बेटा, सही था कि नहीं? सही था तो बहुत सही है बेटा, गलत था तो कहाँ गलती हो रही है, इसको देखिए बेटा और उसको इम्प्रूव करिए बेटा। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे इक्वेशन में बहुत खास ज्यादा बताने की जरूरत नहीं बेटा, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है? सिंपल सिंपल। तो इक्वेशन में आप समझ गए बेटा ग्रेटर इंटीजर के कैसे इक्वेशन सिंपल सिंपल होते हैं। अब बेसिकली हम आते हैं इसकी इनइक्वालिटी पे। किसके आते हैं? इनइक्वालिटी पे। अब आप चाहो तो हेडिंग डालो इनइक्वालिटी ऑफ ग्रेटर। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटी। क्या बात करते हैं? इनइक्वालिटी। यहां तो बात समझ आ रही है बेटा सबको? आराम से चीजों को समझिए बेटा, ठीक है? कोई हराने की जरूरत नहीं है बेटा, आराम से चीजों को समझिए, ठीक? तो हम बात करते हैं इनइक्वालिटी। सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन माइनस टू। ये मॉड नहीं है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन माइनस टू। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व देखो, हमेशा यहाँ पर कोई मेथड नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है, ठीक? यहाँ अगर बेसिक दिमाग लगाओगे एकदम समझ जाओगे, बहुत आसान होता है बेटा। सिंपल तरीके से करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन माइनस टू। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, पहले मतलब समझिए। देखो हम यहाँ से एक्स के वे मान चाहते हैं, हम यहाँ इसका मतलब क्या है बेटा, हम यहाँ से एक्स के वे मान चाहते हैं जिसका इंटीग्रल पार्ट माइनस दो से हमेशा क्या हो? छोटा हो, माइनस दो से छोटा हो। साथ साथ हमें ये बात भी क्लियर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? इंटीजर होती है, कभी नॉन इंटीजर नहीं हो सकता। तो ध्यान से बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू अगर इंटीजर होगी बेटा, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या माइनस दो से छोटी है? माइनस दो से छोटी है। तो ध्यान से आप देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू अगर माइनस दो से छोटी है, माइनस दो से छोटी है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सोचिए, माइनस दो से छोटे कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं? ध्यान दीजिए बेटा, क्या माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, क्या ये सब सारे नंबर होंगे ना बेटा? तो ध्यान से देखेंगे तो इससे छोटे नंबर होंगे। माइनस अगर मैं बात करूं तो माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव डॉट डॉट, क्या माइनस इन्फिनिटी तक आएंगे नहीं बेटा? ये सारे नंबर होंगे नहीं बेटा? ध्यान से आप देखिए बेटा, इन्फिनिटी तक जाएंगे मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे बेटा। कहां तक जाएंगे बेटा? माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, क्या माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे बेटा? ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये सारे यहाँ से इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हो सकती है बेटा? अब ध्यान से बताओ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू ये सब है, तो एक्स का मान कहां से कहां होगा? सोचो बेटा, एक्स का मान सबसे पहले बात करते हैं माइनस थ्री। बताओ माइनस थ्री होगा तो क्या माइनस थ्री से माइनस फोर? ध्यान देखिए बेटा, सॉरी माइनस थ्री होगा तो वैल्यू क्या माइनस थ्री से माइनस टू होगी नहीं बेटा? माइनस थ्री से माइनस टू। ध्यान से समझ आ रहा है बेटा आपको? जब ये माइनस थ्री होगा तो इसके बोले दो कॉन्जुगेट छोटा वाला इंटीजर क्या होगा? माइनस थ्री। बड़ा वाला क्या होगा? माइनस टू। क्या माइनस थ्री से माइनस टू होगा बेटा? अच्छा, माइनस फोर होगा तो क्या माइनस फोर से माइनस थ्री? माइनस फाइव होगा तो माइनस फाइव से माइनस फोर? क्या सब जुड़ते जा रहे हैं बेटा? तो ध्यान से देखिए, सबसे छोटा नंबर क्या रहा है? सबसे छोटा नंबर, ध्यान देखिए, ध्यान देखिए, सबसे छोटा नंबर क्या माइनस इंटीजर आएगा कि बेटा? ये पूरे इंटरवल में सब बीच के सारे नंबर मिलते जा रहे हैं बेटा, तो सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है बेटा? माइनस इन्फिनिटी। और सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? सोचो, जब माइनस थ्री होगा तो इसकी वैल्यू क्या माइनस थ्री से माइनस टू होगी नहीं? तो सबसे बड़ा नंबर क्या माइनस टू आ रहा है? इसके बाद के जो आ रहे हैं सब मिलते कंबाइन होते जाएंगे ना बेटा, तो माइनस थ्री से माइनस टू का सबसे छोटा नंबर, बड़ा नंबर क्या रहा है? माइनस टू आ रहा है। तो बताओ, इस पर हमेशा छोटा लगता है, माइनस टू सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो फाइनली आंसर बेटा, इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए अजीब था इस बात। अच्छा, अगर लग रहा है आपको ऐसे तकलीफ हो रही है ना बेटा इसको, तो मैं ऐसे दिखा दूं ज्यादा अच्छा रहता तुम्हारे बोलने, तो ऐसे तकलीफ हो रहेगा ज़्यादा अच्छा समझ। हाँ, तो बताओ इसके लिए क्या कर सकते हैं? माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, क्या माइनस इन्फिनिटी जाएगा डॉट डॉट? सोचो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। अब तो थोड़ा क्लियर होगा बेटा। और सबसे बड़ा नंबर क्या है? माइनस थ्री। सोचो इसके बीच के जो भी नंबर होंगे सब आएंगे नहीं, सब जुड़ते जाएंगे बेटा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव सब इंटीजर है ना, सब कैसे इंटीजर है? कॉन्जिक्यूटिव। तो बीच का जो भी आएगा सब कंबाइन होते जाएंगे। बताओ माइनस थ्री होगा तो वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर इंटीजर पार्ट की वैल्यू माइनस थ्री, तो इस वैल्यू क्या होगी? माइनस थ्री से माइनस टू, माइनस थ्री से माइनस टू, मतलब माइनस इन्फिनिटी चलेगा, कहां पर रुकना है? माइनस टू। बीच के सारे नंबर क्या सोल्यूशन में आते जाएंगे नहीं बेटा, क्योंकि लगातार वाले हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस, सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ा नंबर माइनस टू। बताओ माइनस भी सोल्यूशन होगा? इस पे तो मेरा छोटा लग जाता है, माइनस टू सोल्यूशन होगा क्या? माइनस टू का इंटीग्रल पार्ट बराबर, हम जो माइनस टू का इंटीग्रल पार्ट माइनस टू, क्या माइनस टू माइनस टू होता है? होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए सोल्यूशन में नहीं हुआ, क्योंकि माइनस से थोड़ी होगा माइनस टू का इंटीग्रल पार्ट। यहां देखो, माइनस टू का इंटीग्रल पार्ट माइनस थ्री नहीं है सकता, इसलिए सोल्यूशन में नहीं होगा, ठीक? थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बेटा इसको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है? एक और कर लेते तो थोड़ा सा और कंफर्ट हो जाएगा, एक और कर लेते हैं तो थोड़ा कम पड़ जाएगा, ऐसा मतलब, ठीक? जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन फाइव, ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, सपोज ये सॉल्व करना है। तो ध्यान से बताओ, सेम वही बात पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, तो अगर इसकी वैल्यू इंटीजर है तो पांच से बड़े कौन कौन से इंटीजर होंगे? लिख लेते हैं, वही इसके मान होंगे ना बेटा,
वही तो इसके मान हो सकते हैं। तो पांच से बड़े कौन कौन से इंटीजर होंगे बेटा? एक तो पांच है, देखो इक्वलिटी भी है ना, तो पांच खुद भी होगा, पांच आएगा, छह सात आठ नौ दस ग्यारह, क्या क्या इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं बेटा? कहाँ तक जाएगा बेटा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, इंटीजर पढ़ के बोलो 5, 6, 7, 8, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी। अब देखते हैं एक्सपान, सोचो अगर 5 होगा, अब समझिए बेटा ध्यान से, अगर यहाँ थोड़ी थोड़ी बातें माइनस में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी तो आप यहाँ समझिए, अगर एक्स इंटीजर पार्ट एक्स वैल्यू 5 होगा तो एक्समान कहाँ से कहाँ निकलेगा? सोचो बेटा सोचो, क्या 5 to 6 5 होगा, 6 नहीं होगा। बताओ जब 6 होगा तो 6 से 7, 6 से तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, क्या सब देखो बीच में सब मिलते जा रहे हैं बेटा? तो अगर सबको यूनियन करेंगे तो सब कंबाइन हो जाएंगे ना बेटा, सब क्या हो जाएंगे? कंबाइन। तो केवल किनारे वाला इधर रह जाएगा और उधर किनारे वाला रह जाएगा बेटा। अब देखिए ध्यान सोचिए बेटा, जब 5 होगा तो 5 से 6, 6 होगा तो 6 से 7, 7 होगा तो 7 से 8, 8 होगा तो 8 से 9। तो बीच में देखो सब जो आपके आ रहे हैं, 7 यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां नहीं था यहां था, अगर ध्यान से यहां नहीं था तो यहां पे था, क्लियर है बेटा? सॉरी अगर मैं बात करूं 7 की बात करूं तो 7 वाला यहां पे था तो यहां पे नहीं था, क्लियर है बेटा? जैसे यहां पे बात करें 5 से 6, 6 यहां पे नहीं था तो यहां पे 6 है। तो कंबाइन करो, जब यूनियन करोगे तो ये सब कंबाइन होते जाएंगे ना, तब होते जाएंगे शुरू शुरू में। तो केवल किनारे वाला देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? केवल किनारे वाला। तो ध्यान से कैसे हम लिखेंगे इसको, देखिए बेटा, तो इसको हम सिंपल सा करेंगे, एक्स वैल्यू कहां से कहां लाई करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं 5, तो 5 तब होगा जब एक्स वैल्यू क्या हो, 5 से 6, सबसे छोटा नंबर क्या 5 मिला नहीं एकदम बेटा, और कहां तक जाएगा, क्या इन्फिनिटी जा रहा है बेटा? सबसे छोटा नंबर इन्फिनिटी, बताओ 5 सॉल्यूशन में है क्या? एकदम देखो 5 दिख रहा है ना, तो 5 सॉल्यूशन में, तो 5 में 5 इन्फिनिटी तो हमेशा जाते छोटा बेटा। ये अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा कंफर्ट होगा बेटा, अब ये समझ में आ रहा है बीच वाले कैसे आ रहे हैं, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन नंबर फटाफट आते हैं, अपन कंबाइन कर लेते हैं और अच्छा। चलो बताओ यहां से एक समय फटाफट देखो बेटा, फटाफट आराम से देखिए बेटा, एक समय बताइए, ठीक है? आराम से क्वेश्चन नोट करिए, स्क्रीन पॉज करिए, फिर सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करिए इसको। तो सिंपल तरीका वही है बेटा, इसके बीच के कौन कौन से इंटीजर लिख रहे थे बेटा? बताओ -2 और -2 से 5 के बीच कौन कौन से इंटीजर होंगे? फिर आप लिखते बेटा -2 क्या -1 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्या ये सब है? इंटीजर एक्स बोली ये सब आ रही है बेटा, तो बताओ एक्स मान क्या है बेटा? चलो फटाफट लिखते हैं, -2 कब होगा बेटा? जब -2 से -1, -1 कब होगा? जब -1 से -0, क्या बीच के सारे मिलते जा रहे हैं क्योंकि कंजक्यूटिव है ना सब, अब समझ में आ रहा है बेटा? तो जब -2 होगा सबसे छोटा नंबर क्या होगा? -2, -2 से -1 ना, सबसे छोटा नंबर क्या है? -2, बीच के सारे मिल नहीं है बेटा। अब लास्ट आखिरी पे आ जाते हैं 5, तो 5 जब होगा इंटीजर पार्ट की वैल्यू, तो इसमें क्या 5 से 6 होगा, 5 to 6, तो कहां पे जाके खत्म होगा? 6 पे। बताओ -2 वाला सॉल्यूशन में है क्या? हाँ, 6 वाला नहीं है, 6 वाला नहीं है, 6 है क्या? नहीं है बेटा, देखो यहाँ 6 है क्या? नहीं, क्योंकि 6 का इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 6, तो 6 यहाँ है नहीं, इसलिए 6 पे छोटा होगा। देखिए बेटा ध्यान से देखिए बेटा, सिंपल सा हमने क्या बताया बेटा, -2 और 5 भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है? -2 से बराबर छोटा है, तो हमने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मान क्या होता है बेटा? इंटीजर, तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर है सारे देख लो बेटा, क्या -2 भी होगा क्या? हाँ, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 तक होगा बेटा, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। अब हमने क्या बताया था कि सब सारे कॉन्जिक्यूटिव है, तो सबसे किनारे वाले देख लो बेटा, बस उनके बीच में लिख लो, तो ये माइनस, ये बताओ ये -2 तब होगा जब वैल्यू -2 से -1, तो सबसे छोटा नंबर -2। अब ये 5, अब आखिरी पे आ जाओ 5 से 6 सबसे सबसे बड़ा कहां तक जा रहा है बेटा? 6 तक जा रहा है, तो 5 से 6, तो 6 लिख लिया बेटा, तो -2 से 6 के बीच में आ रहा है कि नहीं बेटा सारे नंबर? अब बताओ -2 सॉल्यूशन होगा क्या? हाँ, चूंकि -2 का इंटीजर पार्ट क्या? -2। 6 वाला हो सकता है क्या? नहीं, 6 तो सब पर ना, चूंकि 6 का इंटीजर पार्ट 6 नहीं होगा, और है भी नहीं 6, तो ओपन क्या होगा? ओपन तो कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन, थोड़ा इसमें बेटा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये दिमाग का ही कोई छोटा एकदम आसान है बेटा, एकदम आप इसको बातें समझिए बेटा। अब देखिए फटाफट अब इसको स्क्रीन पॉज करिए इसको बेटा, इसको अगर आप नोट कर लिया हो बेटा, क्वेश्चन नोट करिए, स्क्रीन पॉज करिए और सॉल्व करिए इसको बेटा, सॉल्व करिए आराम से, ठीक है? फिर सोल्यूशन देखिए बेटा, तो यहाँ पे फिर वही तरीका, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू क्या क्या होगी बेटा? 6 से 11 है बेटा, तो क्या क्या हो सकता है? 6 से बड़े कौन कौन से इंटीजर होंगे? 7, 8, 9, 10, 11, क्लियर? तो ये सब होगा, सब कॉन्जिक्यूटिव आएंगे नहीं बेटा, बस किनारे वाले देखने, क्या देखने बेटा? किनारे वाले, तो अपना काम खत्म। तो बात करें 7 कब होगा? जब 7 से सबसे छोटा नंबर 7 है, क्लियर बेटा? उसके बाद 11 पे आ जाओ, सीधे आखिरी पे आ जाते हैं बेटा, 11 होगा तो 11 से 12 तक जाएगा ना, कहां तक जाएगा?
बताओ सेवन हो सकता है क्या? हाँ। ट्वेल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देखिए आप इसको आराम से एक दो क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा कम्फर्ट आने लगे बेटा, समझ जाओ ठीक है। पहली बार में थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जा रहा है बेटा, इसमें लगेगा बहुत आसानी से। अगर आप चीजों को समझ जाओगे तो अच्छा हर बार तो ग्रेजुएट इंटीजर एक्स निकालो, एक्स लिखना होता है सिंपल सा, और कुछ नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। किस पे आते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर ठीक सही है। माइनस फाइव से टू, माइनस फाइव से टू। चलिए बेटा यहाँ फोकस करिए, माइनस फाइव से टू, क्लियर? इसे फोकस करिए बेटा, इस क्वेश्चन पे माइनस फाइव से टू। बताइए कैसे होगा बेटा, सॉल्व करिए इसको। फिर वही तरीका बेटा, ग्रेटर इंटीजर एक्स ठीक। आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ठीक डिस्टर्ब नहीं करिए। पहले आप इसको स्क्रीन को पॉज करिए बेटा, सॉल्व कर लीजिए इसको, तब से क्वेश्चन मैच करिए बेटा, ठीक। अगर ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा चीजें समझ आएंगे बेटा। तो चूंकि पहले खुद से आप ट्राई करिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो पहले आप खुद से ट्राई करिए बेटा, ठीक है? तो फिर आप देखिए कहां तक आप आपकी सोच पहुंच पा रही है और कहां कौन सी चीजें आप समझ नहीं पा रहे हो या कौन सी चीजें सोच नहीं पा रहे हो, सोल्यूशन देख के फिर उसको क्लेरिफाई करिए बेटा, ठीक है? फिर वही तरीका हमारे पास क्या लिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मान क्या होगा बेटा? माइनस फाइव से टू के विषय कौन कौन से इंटीजर होंगे बेटा? ध्यान से देखिए, क्या माइनस फाइव से बड़ा लेना पड़ेगा? तो माइनस फाइव से बड़ा कौन कौन से इंटीजर होगा? माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो। टू छोटा क्या बनता जाएगा? टू तो हो नहीं सकता बेटा। अब चलो किनारे वाले पर फोकस करना है, किसे करना है? किनारे वाले। माइनस फोर कब होगा? जब माइनस फोर से माइनस फाइव, सॉरी माइनस फोर कब होगा? जब माइनस फोर से माइनस थ्री, माइनस फोर से माइनस थ्री, सबसे छोटा नंबर क्या होगा? माइनस फोर। और लास्ट में वन आया, वन कब होगा बेटा? जब वन से टू, कहां तक गया? टू तक। क्या फोर हो सकता है माइनस फोर? टू हो सकता है क्या? शायद मेरी बातें आपको थोड़ी समझ में आ रही है बेटा। अगर आप ध्यान दोगे चीजों को तो आप समझ जाओगे अच्छा कितनी आसानी से लिखाया जा रहा है बेटा, ठीक है? कितनी आसानी से हो रही है। हर बार क्या करना है बेटा आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकाल लेना है बेटा? हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मान निकाल लेना है, ठीक है? और फिर वहां से एक्स को जज करना है बेटा। एक्स पर आराम से किनारे वाली वैल्यू देखिए बेटा। अब देखिए एक्स मान कहां से कहां लाई कर सकता है। इधर किनारे वाला देख के समझिए सबसे लोअर वैल्यू क्या होगी बेटा, इधर किनारे वाला देख के समझिए सबसे हायर वैल्यू क्या होगी बेटा, उसके बीच में लिख दीजिए। फिर आपको ये तो देखना आता है कहां पर ओपन लगेगा, कहां पे क्लोज। जो सोल्यूशन में होगा वहां पे लगेगा क्लोज, और जो सोल्यूशन में नहीं होंगे वहां पे लगेंगे ओपन। एकदम क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? बस ट्राई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? तरीका ठीक है, देखिए इसको, ठीक। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके आप पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक। आप चाहो तो इसको बेटा स्क्रीन को पॉज करके पहले सॉल्व करिए, फिर आप सोल्यूशन मैच कराइए, ठीक है बेटा? बाकी जिनको दिक्कत हो रही है वो देख लेते हैं आराम से, देख के आप समझिए कैसे बेटा। तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? फर्टाइज करेंगे। फर्टाइज करेंगे तो क्या होगा? इसका फैक्टर एक फैक्टर आ जाएगी, दूसरा फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस सिक्स। अब बताओ इस तरह की इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना बेटा, पहले भी, पहले भी हम इस तरह की इनइक्वालिटी बेसिक इनइक्वालिटी में हमने आपको सिखा दिया इस तरह का। तो फिर यहाँ पर भी तो ऐसे सॉल्व करना बेटा, एकदम नंबर लाइन बनाइए बेटा। ये वन पे जीरो, वन सिक्स पे, छोटा नंबर वन, बड़ा नंबर सिक्स, पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा? एकदम यहाँ भी एक्स वाले प्लस है, यहाँ भी प्लस, शुरुआत प्लस से होगी, यानी प्लस माइनस प्लस, आपको क्लियर है ना? प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान हम चाहते हैं इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी की वैल्यू जीरो छोटी, जीरो से छोटी, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कहां है? ये इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मान कहां से कहां लाई करेगा बेटा? वन से सिक्स, ठीक है? बताओ इक्वलिटी है क्या? हाँ देखो ये एक्स का मान नहीं है बेटा कि एक्स बिलोंग्स टू दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसलिए ग्रेटेस्ट ऐसे इंटर फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ किस फॉर्म में, सॉरी आप इसको इनइक्वालिटी के साइन के रूप में लिखेंगे बेटा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू क्या होगी? वन से बड़ी है और सिक्स से छोटी, वन से सिक्स। बताओ इक्वलिटी है कि नहीं बेटा? तो जहां जाकर इसका मान जीरो होगा वही सोल्यूशन होंगे, इसका मतलब वन और सिक्स में इक्वलिटी है। अब बताओ फिर इसको ये सॉल्व करना आता है, ये तो पुराना लोकेशन हो गया बेटा। अब देखो बेटा क्या लिखोगे बेटा, अब यहाँ से एक्स का मान बताओ क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी इंटीजर हो सकता है? वन से सिक्स है तो कौन कौन सी इंटीजर हो सकते हैं? क्योंकि सर वन हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो बताओ फटाफट एक्स का मान किनारे वाले देखते हैं कौन सा किनारे वाला, ये वन होगा तो वन से टू, छोटा नंबर वन,
बीच में सारे मिलने हैं बेटा, सिक्स पे आ जाओ, सिक्स पे होगा तो सिक्स पे सेवन, क्या सेवन तक जाएगा कि नहीं बेटा? सेवन तक वन सोल्यूशन होगा क्या? हाँ सेवन सोल्यूशन होगा क्या? नहीं, तो फाइनल आंसर ये दिख रहा है बेटा सबको, आराम से देखिए बेटा, समझ में आ रहा है बेटा चीजों को एकदम आसानी से, क्लियर? तो इस तरह से बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? आगे बढ़ता हूँ, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टू ग्रेटर इक्वल टू थ्री, और इंप्रूव कर लूंगा मैं, मान लो इसको फोर कर लिया, कितना कर दिया फोर, तो ज्यादा सही, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसको आप, अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करिए बेटा, इस इनक्वालिटी, ठीक है? जैसे हमने पहले याद है ये पीएसआर इक्वेशन पहले भी कर चुके थे, जैसे एक्स में कर देते हैं वही से यहां पे इंटीग्रल, वैसे ही यहां पे कहा किसमें करना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में सॉल्व करना है, इसमें सॉल्व करना है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, सेम उसी तरीके से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहां पे सॉल्व करना है, क्लियर? तो चलो ठीक है, स्क्रीन पॉज करिए बेटा, इसको सॉल्व करिए बेटा, ठीक है? उसके बाद सोल्यूशन मैच कराइए। तो करने का सेम तरीका वही है बेटा, इससे इससे मल्टीप्लाई कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके साइन के बारे में पता ही नहीं कि प्लस है कि माइनस। तो करने का सही तरीका क्या होगा? क्या इसको मल्टीप्लाई करो कि फोर इधर लाएंगे बेटा, फोर को हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस, तो फोर को क्या इधर लाएंगे बेटा, ठीक है? अब फिर क्या करेंगे बेटा, ठीक है? एलसीएम लेंगे नहीं बेटा, क्या करेंगे यहाँ पे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते सेम वही तरीके सॉल्व करेंगे जैसे पुराने वाले सॉल्व करते थे बेटा, एलसीएम ले लिया बेटा। तो यहाँ क्या बचा बेटा? यहाँ पे आया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन माइनस फोर से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फोर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस माइनस का प्लस फोर टू जेड, सही बेटा? इधर हमारा आंसर देखिए, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब देखिए बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस फोर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा? माइनस थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस सेवन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस, सही? अरे सही, अब यहाँ सॉल्व करिए बेटा। अब बताओ भाई अपने हाथ कि अपने फंडे तब यहाँ पे लगेंगे जब, इसको क्या करेंगे बेटा? इसके पहले प्लस बनाएंगे बेटा, बात क्लियर करते बेटा, याद है ना? यहाँ पे एक्स पहले हमेशा प्लस बनाते थे बेटा, तो यहाँ प्लस बनाने के लिए क्या माइनस से गुणा करोगे न्यूमरेटर वाले? तो जब माइनस से ऊपर गुणा करोगे तो यहाँ बन जाएगा थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस सेवन अपॉन नीचे अपना क्या होगा बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस बेटा, देखिए आराम से कीजिए, समझिए बेटा। अब वही है, बटे का नंबर है तो क्या नहीं होना चाहिए बेटा? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बटे का नंबर है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। अब क्या करते हैं बेटा, नंबर लाइन में आते हैं बेटा, नंबर लाइन में बताइए कहाँ पे जीरो है? दो पर, और ये सेवन बाई थ्री पर, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद। अब पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तीन पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तीन पार्ट में। अब चलो देखते हैं बेटा, अब वही सेम साइन लिखना था ना, प्लस माइनस प्लस, देखिए बेटा सबको साइन लिखना था, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब बताओ थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी का साइन क्या होगा बेटा? चेंज कर जाएगा, ठीक। जब यहाँ पे हम माइनस से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इनक्वालिटी का साइन क्या होता है? जस्ट रिवर्स हो जाता है, जस्ट क्या हो जाता है बेटा? रिवर्स हो जाता है। तो प्लस माइनस प्लस समझ में आ रहा बेटा? अब ध्यान से जब बताइए, इसकी वैल्यू हमको क्या चाहिए इस पूरे कमान? जीरो से छोटा या जीरो के बराबर, जीरो छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ है बेटा? यहाँ 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 बीच वाले में। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगी बेटा? टू से सेवन बाई, मतलब इसका मान टू हो सकता है क्या? देखो तो टू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ध्यान देखिए, टू हो सकता है क्या? नहीं। कंटिन्यू, सेवन बाई थ्री हो सकता है क्या? हाँ सेवन बाई थ्री हो सकता है, क्लियर? अब ध्यान से बताओ इसके बीच में कोई इंटीजर आएगा कि नहीं? देखो टू और सेवन बाई थ्री, सेवन बाई थ्री क्या होता है? टू पॉइंट समथिंग, तो टू और टू पॉइंट समथिंग के बीच में कोई भी इंटीजर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहां से कोई भी एक्स आएगा नहीं, तो यहां से नहीं उसको, देखो बेटा, देखो ध्यान ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे बेटा। टू सेवन बाई थ्री की वैल्यू क्या होगी? टू पॉइंट समथिंग,
तो टू और टू पॉइंट समथिंग के बीच में कोई भी इंटीजर लाइक करेगा क्या? नहीं लाइक करेगा ना बेटा। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की कोई भी वैल्यू मिलेगी नहीं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का कोई मान मिलेगा ही नहीं तो एक्स का हाइफन कहां से मिलेगा? इसका मतलब यहां से कोई भी एक्स मिलेगा नहीं। इस तरीके तो आप देखिए बेटा, ये जो पुराने वाले क्वेश्चन इसको ऐसे ही सॉल्व करते, यहाँ पर ऐसे आगे हो सकता है आपको सोल्यूशन अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ठीक आगे बढ़े। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक ठीक, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, देख लीजिए कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, तरीका हर बार वही है बेटा। ठीक है, हटाइए चल अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपको स्क्रीन पॉज करिए, चार से पांच मिनट का समय लीजिए, आराम से सॉल्व करिए बेटा, उसके बाद सोल्यूशन मैच कराइए। ठीक है, तो करने का सेम तरीका, दो को इधर लाएंगे बेटा, आप तो समझ गए सब लोग, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके साइन के बारे में पता ही नहीं कि प्लस है कि माइनस। ठीक है, अब वही एलसीएम लेंगे बेटा, क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम दो से बड़ा करो। यहाँ पे क्या है बेटा, अब बताओ बटे का नंबर है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, फोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व करने के नंबर लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, नंबर लाइन। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या बेटा, एक नंबर लाइन बनाइए बेटा, छोटा नंबर पहले लिखिए, छोटा नंबर क्या होगा बेटा माइनस सेवन, और बड़ा नंबर क्या होगा पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा। देख लीजिए पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, शुरुआत में क्या होगी बेटा प्लस से। ठीक है, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, कैसे होगा बेटा साइन जानते हो ना बेटा। सबसे पहले एक्स वाले प्लस है, शुरुआत प्लस से, इसके बाद फोर वाले पावर देखो, ऑड ऑड पावर मतलब साइन चेंज, फिर माइनस सेवन वाले देखो, माइनस सेवन वाले ये फैक्टर है, इसका पावर क्या है वन, वन मतलब ऑड, तो साइन चेंज। ठीक, अब बताओ इस पूरे प्रोडक्ट का हम साइन क्या चाहते हैं, इस पूरे प्रोडक्ट का, ध्यान से देखो इस पूरे प्रोडक्ट का साइन हम क्या चाहते हैं, जीरो से बड़ा या बराबर, जीरो से बड़ा या बराबर, तो जीरो से बड़ा या बराबर कहाँ होगा बेटा, यहाँ होगा और यहाँ, तो ये फाइनल आंसर है। लेकिन ये एक्स का मान है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को लिखते हैं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मान लेस देन इक्वलिटी हो सकता है क्या, हाँ चूंकि यहाँ पे इसका मान जीरो होगा ना, इक्वल टू माइनस सेवन। ठीक है, ये भी सोल्यूशन होगा, और क्या लिख सकते हो बेटा, क्या चार से बड़ा होगा तभी सोल्यूशन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन फोर, बताओ बराबर हो सकता है क्या, नहीं इक्वलिटी नहीं हो सकती। अब बताओ माइनस सेवन से छोटे कौन कौन से इंटीजर होंगे बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो बताइए माइनस याद है बेटा, डॉट आउट करते हुए सब आएंगे बेटा, माइनस एट माइनस सेवन, क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको, कैसे लिखा जा रहा है एकदम इस तरह से। इधर वाले देखो बेटा, ग्रेटर इंटीजर एक्स वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, चार से बड़े या बराबर, तो क्या क्या होगा चार से बड़े, पांच छह सात आठ इनफिनिटी तक। अब चलो फटाफट एक्स लिखते हैं यहाँ पे, सब छोटा नंबर क्या माइनस इनफिनिटी, सबको दिख रहा है बेटा, सब छोटा नंबर क्या है माइनस इनफिनिटी, सबसे बड़ा क्या है माइनस सेवन, माइनस सेवन का अगर ग्रेटर इंटीजर एक्स वैल्यू माइनस सेवन होगा तो एक्स मान कहां से कहां लाई करेगा, ध्यान से देखिए बेटा सोचिए कहां तक, क्या माइनस सेवन से माइनस सिक्स, माइनस सेवन से माइनस सिक्स, तो कहां तक जाएगा बेटा माइनस सिक्स तक, सबसे बड़ा नंबर क्या माइनस सिक्स तक गया कि नहीं बेटा, तो ये यहाँ पे छोटा वाला रहेगा और यहाँ पर भी छोटा, चुकी सोल्यूशन में नहीं होगा बेटा, चूंकि माइनस छह यहाँ पे माइनस छह का इनके ऊपर क्या होगा, तो माइनस छह, तो माइनस छह तो है नहीं, इसलिए सोल्यूशन में नहीं है। और यहाँ पे भी लिखे बेटा, यहाँ से बताइए एक्स मान,
पांच से क्या इन्फिनिटी जा रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी, सबसे छोटा नंबर देखना होता है, देखना है तो बता ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पांच है, तो पांच कब होगा जब पांच से छह, सबसे छोटा नंबर क्या पांच ही आएगा नहीं बेटा, तो फाइव टू इन्फिनिटी पांच हो सकता है क्या, एकदम इन्फिनिटी नहीं होगा क्या यहाँ से यार, तो बताओ यहाँ से जो सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन में और ये भी सोल्यूशन में, वो कंबाइन कर लो और मतलब यूनियन होता है बेटा, तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्स यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी, समहरा बेटा समहरा सबको बेटा देखिए इस तरीके से करते हैं बेटा इनको, ठीक है बेटा आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा इसको आराम से अच्छे से, ठीक है अच्छे इसको नोट कर लीजिए सब, ठीक क्वेश्चन नंबर ये सेवन था ना बेटा क्वेश्चन, ठीक जो भी अगर अगला क्वेश्चन हो तो आप नंबर लिए ना, मुझे लग रहा है क्वेश्चन सेवन नहीं था यार, सात क्वेश्चन नंबर हाँ जो भी ठीक है, अगर एट होगा तो आप एट कर लीजिएगा, ठीक है ध्यान रखना है सात क्वेश्चन नंबर ये सेवन, हाँ सेवन ही होगा बेटा ये पूछता बोल, ठीक यहाँ तक सही बेटा, बाकी सोल्यूशन को आप देखिए कैसे हो रहा है बेटा, समझिए बेटा ठीक समझ रहे बेटा, आप क्वेश्चन करा देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके, बस लगभग लगभग खाना ठीक है लगभग लगभग पूरा एक होमवर्क दे दे रहे कर करके आना बेटा होमवर्क, होमवर्क आपको क्वेश्चन क्वेश्चन दे दे रहे अच्छा रहेगा वो आप करके आएंगे ठीक, तो आपको कुछ होमवर्क दे दिए आप देखिए इसको ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा करके आना है सबको बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये आपका टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल टू थ्री, ठीक है ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप चाहे एक और ले लीजिए बेटा सिंपल से बेटा, ठीक है ये तीसरा, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है बेटा, ठीक है तीसरा काफी आसान है आपको समझ ही पाएगा, ठीक है ये तीनों क्वेश्चन आपको घर पे से करके आने हैं बेटा, ये तीन आपके क्या है बेटा होमवर्क है, ठीक है बेटा क्लियर है तो ये रहे आपके होमवर्क, ठीक है बेटा तो हमारे हम लोग का बेटा अगर बोले तो इन इक्वालिटी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है तो कंप्लीट हो गया, ठीक सारे आइडिया आपको क्लियर हो गए इसमें बेटा कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है मगर बात करें तो इसमें आपको डाउट्स क्लियर हो गया बेटा कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है बेटा तो आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं बेटा, ठीक है तो इन इक्वालिटी में लगभग हम लोग ये सारी बातें खत्म होंगी सांस में बेटा, ठीक साथ साथ आप लोग को बेटा बहुत परेशान होने की जरूरत है, बार बार ये बातें आपको हम कर रहे हैं, ठीक है अभी दिक्कत का समय है सबके लिए है बेटा क्या करेंगे है तो फिर हम लोग को करना ही है ऐसे, ठीक है बाकी आपको बहुत ज्यादा निराशा होने की जरूरत नहीं बेटा, आप लोग केवल एक बात पर अपने पढ़ाई पर फोकस करिए बेटा, ठीक है और बहुत आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं कि यार कैसे होगा क्या स्कूल ये सब, आपको एकदम हताश निराश होने की जरूरत नहीं बेटा, अपने तरफ से हम लोग जितना हो रहा है आपको वही माहौल प्रयास कर रहे हैं देने का जैसा हम लोग क्लास में माहौल देते एकदम सेम वैसे ही माहौल से आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है फिर भी अगर आपको लगे कहीं डाउट हो रहा है तो एक बार प्रयास करिए बेटा, जो भी चीजें आपने देखा है उसको वीडियो को दोबारा देखिए बेटा अच्छे से दोबारा देखिए, आपको शायद हो सकता हो एक बार में आप चीजों को जो न समझ पा रहे हो दोबारा देखने पे शायद वो चीजें आपको स्ट्राइक हो जाए बेटा, अगर आप मेरे ख्याल से जैसे आपको पढ़ाया जाए क्लास में आप चीजों को अगर समझ समझ के चीजें करेंगे बेटा तो शायद आपको प्रयास ऐसा है बेटा कि आपको डाउट कम से कम न के बराबर होगा बेटा, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो ग्रुप में आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है तो आपके जो भी डाउट्स की हम बेटा अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है बेटा बाकी आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़िए बेटा, ठीक आज की क्लास फिर हम लोग बेटा ओवर करते हैं और कल हम लोग मिलेंगे बेटा इनइक्वालिटी का सबसे मतलब अगर हम कल की क्लास के बाद बारे में बात करें बेटा तो अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का खत्म हो गया तो अब हम पढ़ेंगे बेटा बेसिकली
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मुश्किल से 5 से 10 मिनट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बेसिक नॉलेज। जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया बेटा उसको फ्रैक्शनल पार्ट समझो आ गया सिंपल सा, तो कुछ नहीं 5 से 10-15 मिनट क्लास है उसकी बेटा, सिंपल सा कल वो खत्म हो जाएगा। कल ही हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ, क्या स्टार्ट करेंगे बेटा ग्राफ। अब बहुत हड़वाना है बेटा, मैथ बहुत आसान है आपका, ठीक है, आपका सिलेबस बहुत आसान है बेटा, और थोड़ा सा ठीक बेसिक दिमाग लगता है, बहुत ज्यादा आपको हड़वाने की जरूरत नहीं बेटा, बहुत कोर्स के लिए परेशान ना होइए बेटा, सब आराम से चीजें आपको प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सिखाने का बेटा, अच्छी अच्छी चीजें बेटा, तो आप उसके लिए कभी परेशान नहीं होंगे बेटा कि सिलेबस आगे चला पीछे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए बेटा, कभी आपके सिलेबस में ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत पीछे होंगे बेटा, हर चीजें एकदम टाइम से चलेंगी, बस आप सब रखिए और जो चीजें पढ़ाई जाए उन पर आप बस क्या करिए फोकस रखिए बेटा, हर चीज को समझने का और सीखने का बेटा, आपका केवल टारगेट ये होना चाहिए बेटा, बाकी और सब डाइवर्जन में आपको आने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़िए बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं यहीं पे ओवर करते हैं बेटा, ठीक है, बाय बेटा।